प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, नासिक में थे थोड़ी देर पहले, जहां उन्होंने काला राम मंदिर में जाकर के पूजा की थी, और वहीं का एक वीडियो जो है वो अब से थोड़ी देर पहले रिलीज किया गया, वो आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री इस मंदिर में खुद साफ सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे काला राम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। तो ये वीडियो नासिक के काला राम मंदिर का है, जहां प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले थे, और ये जो बात वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि 22 तारीख तक आप सभी अपने देवस्थानों में जाकर के साफ सफाई का अभियान छेड़िए। उन्होंने अयोध्या जब गए थे उस दिन ये बात उन्होंने कही थी, और उस पर खुद अमल करते हुए आज जब वो एक मंदिर में गए हैं, उसके बाद पहली बार किसी मंदिर में जाते हुए उनको आज देखा है उस दिन के बाद से, तो वहां उन्होंने खुद साफ सफाई करके अपनी जो बात कही थी उस पर खुद अमल करते हुए आप उनको देख सकते हैं। इस मंदिर को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं समीर जी भी। तो ये मंदिर बेसिकली परिसर बहुत बड़ा है, लेकिन इस परिसर में 7-8 मंदिर छोटे छोटे बने। गणेश जी का भी बहुत यहाँ पर फेमस मंदिर है, शनिदेव का भी एक यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर दूसरे देवताओं के मंदिर बने। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत कम लोग पहले जाते थे, आज प्रधानमंत्री वहाँ गए और जब उन्होंने पूजा अर्चना किए तो पूरे भारत के अंदर इस मंदिर को लेकर लोगों को जिज्ञासा जागेगी। और जब लोग नासिक आते हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए, बेसिकली नासिक जो आते हैं वो त्र्यंबकेश्वर के लिए आते हैं, या शिरडी जाने के लिए नासिक आते हैं, और शिरडी से बाय रोड नासिक शिरडी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है जब नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जब लोग आएंगे तो अब इस मंदिर के लिए भी लोग जरूर जाएंगे। और यहाँ मुझे लगता है कि अब इसका परिसर भी थोड़ा भव्य करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा एरिया है, यहाँ पर जो एंट्री है बहुत छोटा रास्ता है, वहाँ कार अंदर नहीं जा सकती, बाहर पार्क करना पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अब प्रशासन, अब सरकार, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर एकनाथ शिंदे देखेंगे, सांसद भी वहाँ पर शिवसेना के हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ लोकल प्रशासन वहाँ पर कैसी पार्किंग की व्यवस्था हो, मंदिर का परिसर बड़ा हो, तो उसके ऊपर ध्यान देगा। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये एक बड़ा दार्शनिक स्थान बनेगा मंदिर।